हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? शिक्षा जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर आता हूं। और दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल की न्यूज़ है। एक भाई ने मुझे ये विशेष रूप से भेजी। उन्होंने कहा कि सर, आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर ही वीडियो बनाते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में हमारी आवाज़ भी आप उठाएँ। तो जिस भाई ने मुझे ये भेजा है, उनके अनुसार दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती के 5,500 परिवारों में 2.5 साल से दशहरा न दिवाली एक बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। आप देखेंगे बंगाल में परीक्षा पास लेकिन नौकरी नहीं मिली, 952 दिन से धरना जारी, यानी कि 952 दिन से लगातार धरना जारी है। आयोग ने मेरिट लिस्ट रद्द की, टॉपर वेटिंग में पहुंचे। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा मेरिट लिस्ट में नाम रहने के बावजूद हमें इंटरव्यू में नहीं बुलाए गए, हमारी जगह ऐसे लोगों को नौकरी मिल गई जिनके नाम मेरिट लिस्ट में या तो काफ़ी नीचे थे। अब हमारी उम्मीदें अदालत पर टिकी हैं, हमारे लिए तो यह उसी दिन होगी जब नौकरी मिलेगी। ये कहना है बबीता पाल का, जो बीते करीबन 2 साल से कोलकाता के लाल इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सैकड़ों दूसरे उम्मीदवारों के साथ धरने पर बैठी हैं। उन्होंने धरने का 952वां दिन है। तो दोस्तों आप स्वयं देखें कितने दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। बबीता उन उम्मीदवारों में शामिल है जिन्होंने पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग की ओर से 2016 में आयोजित राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा पास की थी, लेकिन घोटाले के कारण उनकी नौकरी नहीं मिल सकी है। करीबन 150 लोग बारी बारी से यह धरना देते हैं। अभी पूरा बंगाल दुर्गा पूजा की खुशी में मना रहा है। इन उम्मीदवारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो रही हैं। इनकी याचिकाएं फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं और सीबीआई और ईडी शिक्षक भर्ती के घोटालों की जांच कर रही है। यहां पर आप देखेंगे 2016 में बंगाल में के माध्यमिक शिक्षक बोर्ड के तहत शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का नतीजा 27 नवंबर 2017 को आया। मेरिट लिस्ट में सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 77 नंबर पाकर टॉप 20 जगह में बनाने में कामयाब रही, लेकिन आयोग ने कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी गई और दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार की। नई मेरिट लिस्ट में बबीता का नाम तो वेटिंग लिस्ट में चला गया। टीएमसी सरकार में मंत्री श्री पारिस अधिकारी के पुत्र ईद का नाम सूची में पहले नंबर पर आ गया। अंकिता को बबीता से 16 नंबर कम मिले थे, उसके बाद घोटाले को पर्दा उठा था। पूर्व शिक्षा मंत्री जी पार्थ चटर्जी जेल में सीबीआई जांच जारी है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 2022 की शुरुआत में हाईकोर्ट ने निर्देश में सीबीआई ने इस घोटाले की जांच शुरू की थी। इसमें मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल सरकार की पूर्व शिक्षा पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नेता जेल में हैं। बबीता बताती हैं कि ये दूसरा साल है जब हम दुर्गा पूजा के मौके पर खुले आसमान के नीचे न्याय की आस दिन गुजार रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2,500 प्राइमरी शिक्षक भी प्रभावित, वे भी धरने पर। 500 मीटर दूर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास युवक 492 दिनों से धरने पर हैं। इनका भविष्य भी घोटालों की जाल में उलझ रहा गया। दीपक मंडल बताते हैं कि हमने 2014 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी, 2021 में हमने अदालत की शरण ली थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। तो जिस भाई ने मुझसे ये मैसेज दिया था कि सर, आप प्लीज़ अपने चैनल पर हमारी जो पश्चिम बंगाल की भर्ती परीक्षा है शिक्षक की, वो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम 952 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी पूरी मध्य प्रदेश की जितने भी युवा हैं और जो भी हैं, वो बिल्कुल आपके साथ हैं और बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होना चाहिए। यही मैं अपील करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और जो भी आपको मुहिम चलानी है जिस तरह की, और जितना भी हमसे हो सकेगा डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे अपने स्तर से। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।